first. हम आंधी को आते हुए देखे और तुरंत कैमरा लेके दौड़े, पर मेरे फोन से पहले आंधी आ गई। बाप रे, पता नहीं मेरे फोन में क्या गड़बड़ी हो रहा है, जितना तेज आ रहा है उतना तेज दिख क्यों नहीं रहा है। जैसे मोटे इंसान को भी धकेल रहा है, जब मेरे जैसे हट्टे कट्टे 80 किलो के वजन को ये पुश कर रहा है, तो आयुष और अंश के जैसे अधूरे इंसान का क्या हाल होगा पता नहीं। अब जा रहे हैं नहीं, गेट से आ रहा है आवाज, फटर फटर। बुनिया स्टार्ट बाबा, चलो। अरे भाई, हवाओं में ऐसी फिट हो चुकी है, और जैसे ही ये काले बादल, अरे मैया रे, झुक गए पेड़ के मेरे ददाऊ आम बिनते हुए, मेरा आवाज आ रहा है, हेलो हेलो मैक चिकिंग। मैं बोरिया लेके आ गई हूँ आम बिनने, पर आम गिरा ही नहीं। पहले पिछली बार एक पेड़ का ठाई गिर गया, पेड़ का डाली गिरा था, ठाई नहीं, ठाई हम लोग ठेठ में बोलते हैं, उसको डाली बोलते हैं। ये तो गिरा तो है, ये गिरा, ये मुंह में चला गई। लोग बैठे हैं कोना पकड़ के, आंधी नहीं रुक रही है, बारिश चालू हो गया, अब धूल नहीं उड़ेगा, और आम भी ज्यादा नहीं, वो देखिए 4-5 आम गिरे। जिस हिसाब की बोरी लेके आए हैं उस हिसाब से एक आम भी नहीं मिला। सड़क गीला हो गया है और जमीन ऐसी सूखी सूखी है, खुशबू मतलब जलते हुए मिट्टी में पानी गिरती हुई खुशबू। आह, डाली सच में गिर गई मेरी डाली, जैसे ही कैमरा बंद किए वैसे ही डाली गिर गई। अयो किधर बैठवा, बारिश बारिश। हाँ,
बारिश के बाद सड़क साफ। आए थे हवा के साथ रिमझिम रिमझिम बारिश। अरे देखो बारिश के साथ लेके गए थे बोरी, इधर बोरी लेके गए थे। आम मिलेगा छोड़ तो दिखाए खाली नाश। लास्ट के बोरी में 15 आम मिला है और आम के लालच में ये धुला धुला खेत, ये धुला धुला हरियाली और ये अकेला पेड़ और धुला धुला पता नहीं कौन था ये। अब इसको क्या ही बोले, चूतिया था ये धुला धुला बोलू। यहाँ अलग से बारिश हुई क्या, पानी लग गया पता नहीं कहाँ से। भगवान एक्स्ट्रा दे दिए। आम गिरे ना गिरे नींबू से उम्मीद करते हैं। अभी अगर नींबू का दाम हाई है तो ये पेड़ हम बेचेंगे 1,00,000 रुपए में। एक नींबू मिली और कच्चा नींबू भी एक मिली गया। दो नींबू कच्चा पक्का। पार्कवा में मिला आम। ये पक्का कच्चा है पक्का, देखिए पक्का खा। अरे कच्चा पार्क कितना हरा हरा सुंदर सुंदर लग रहा है। हो गया फिर से सुबह, एक अच्छी सी सुबह मतलब दोपहर शाम। अब हम जा रहे हैं माँ भोले बाबा का बिया, पता नहीं कैसे होगा आज मेरा घर। ओए माँ फिसल गए। कथा का 12 बजा हुआ है पता नहीं किस खुशी में। और आज गुरु महाराज कहाँ सुनाएंगे, 5 बजने में 5 से 10 मिनट बाकी है। ये मिला आम। अरे भाई साहब एक और आम मिल जाए तो मजा। अरे देरी दो आम मिला, 3 आम मिला। अजब सी महिमा। यहाँ पानी में भी धुआं निकल रहा है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। एक मिनट हम आम लिए हैं दिखाते हैं। ये देखिए इतना बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है। और ये दीदी इतना आम दुपट्टा भर लिए जबकि पेड़ में आम नहीं है इस साल। कथा का देखने जगह, 2 आम से चालू हुआ, इतना आम मिल गया तो अभी हम इसको रख देंगे। मैं मतलब सबके खत्म करने के बाद मेरे को इतना आम मिला। मॉर्निंग, दिस इज डे 2 और अब आज का व्लॉग चालू करते हैं। अभी से अब इसको लेके जाएंगे और एक काम कर रहे हैं आप लोग को दिखाते हैं। इसको हम कर रहे हैं साफ। यहाँ पे बोएंगे धनिया, आधा कर दिए, अब इतना बाकी है करके फिर आपसे मिलते हैं।
पेड़ है इसीलिए थोड़ा घास छोड़े, उसको फिर से ठीक करेंगे। पर सच्चू बोले गीली मिट्टी में काम नहीं होता है, तो हमको वापस लेना पड़ रहा है। लगा के आम बुनेंगे, आम की टोकरी, और ये आम के लिए रेडी कर रहे हैं चिता, ऐसे नहीं बोलते सॉरी। आग तो लग गई है, डर भी लग रहा है। दादी उधर से डर रही है कहाँ आग लग गया। बाप रे, हम आम भूनेंगे कैसे, उसी में डाल देंगे एक एक आम, अपने आप पके तो फट रही है। अरे अब इसमें से एक आम तोड़ेंगे ऐसा जगह से जहां से चच्चू को पता ना चले। यहां से तोड़ते हैं, ये तो बड़ा है, पता चल जाएगा। मेरा वीडियो नहीं देखने के लिए ये उनकी सजा, क्योंकि वो तो मेरा वीडियो देखेंगे नहीं, मेरे को आम मिल गया। डाल देंगे, पर अभी इसका आग बुझ गया है, धुआं निकल रहा है, पता नहीं जलाने से जल तो ना जाए, जलाए कि नहीं हम कंफ्यूज हैं, जला के देखते हैं। पक गया है अब इससे, अरे राम रे, जल गया है, जल गया है, पका ही नहीं है। अब इसको ले जाएंगे, बाद ही दिखेगा, क्योंकि हम एक हाथ से काम करेंगे और एक हाथ से रिकॉर्ड तो कर नहीं पाएंगे ना। बन गया और हम लोग पी भी लिए, भूल गए फोटो लेना। हाँ बॉडी बॉडी, इधर मेरे पास गगरा पे होता है खत्म। अब हम आसमान के नीचे, तारों के नीचे, ये तारा दिख रहा है टिमटिमाता हुआ, सोएंगे रॉकी के साथ। रॉकी पता नहीं क्या चपड़कर मेरा बिस्तर काट रहा है। तो व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी लाइट अच्छा नहीं है।